बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तमाम व्यूअर्स को पैगाम सिंध एडमिन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, जैसा कि एसएसटी के तमाम पेपर्स हम सॉल्व कर चुके हैं, तो सिर्फ हमारा जो है आज 7 तारीख मॉर्निंग वाला पेपर और आज 7 तारीख इवनिंग वाला पेपर मिस हो गया था, जिसको अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। और इस वीडियो से पहले हमने 7 तारीख के मॉर्निंग के पेपर के फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के सवाल हल कर लिए थे, जिसकी हमने वीडियो अपलोड भी कर दी है। और इस वीडियो में हम बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो हैं आपको तमाम जॉब्स के वाले से मिलती रहें। तो चलिए हम पेपर्स को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बायोलॉजी को सॉल्व करेंगे। याद रहे कि ये पेपर नंबर ए हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन टाइप ए हो, बी हो, या सी हो, या डी हो, क्वेश्चंस की सिर्फ अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, बाकी क्वेश्चंस सेम होते हैं, जिसकी की भी डेफिनेटली सेम होती है। तो लिहाजा आप एक ब्लैंक पेज लें और हमारी वीडियो सुनते जाएं और अपने क्वेश्चंस को रिकॉल करते जाएं, तो आपको रिमाइंड हो जाएगा कि आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है और उसका सही ऑप्शन किस सवाल के क्या बनता है। तो इसमें आप अपने पेपर को रीचेक कर सकते हैं। 21 पेज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नलिंग इज इन्वॉल्व्ड इन पैराक्राइन सिग्नलिंग, तो दैट इज केमिकल सिग्नलिंग। 22 पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल मॉलिक्यूल्स डज नॉट इंटरेक्ट विद सेल सरफेस रिसेप्टर्स, तो दैट इज इंसुलिन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइमी डिजीज इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 पे, दोस्तों ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि सही नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वी आर स्टिल ट्राइंग कि हम इसको रीडअप कर सकें। द 1918 पेंडेमिक आल्सो कॉल्ड द स्पेनिश फ्लू वाज कास्ट बाय, तो दैट वाज कॉल्ड बाय, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक है, H1N1 एंड इन्फ्लुएंजिया ए वायरस, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 पे, प्लांट्स एब्जॉर्ब मोस्ट पार्ट ऑफ वाटर नीडेड बाय देम थ्रू देयर, तो दैट इज कॉल्ड रूट हेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बोन्स, तो दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड्स लाइक माउंटेन यूजुअली हैव, तो दे हैव लार्जर नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 पे, द आइडिया दैट नीड एसेंशियल मिनरल्स वाज फर्स्ट प्रपोज बाय, तो दे वाज एरोन एंड शूट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 पे, एनर्जी गेन ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज डैश टाइम मोर देन एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 32 टाइम्स मोर देन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 पे, ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो नोन एज, तो दैट इज ईएमपी पाथवे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बायोलॉजी का सेक्शन सॉल्व हो चुका है और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के सेक्शन को। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिफिकेशन अवेलेबल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी 3 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ DBMS, तो दैट इज गूगल, ऑप्शन नंबर डी ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड माइक्रो कंट्रोलर एटलीस्ट शुड कंसिस्ट ऑफ, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, CPU, RAM, ROM, IO ports and timers. और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, why the following statement is erroneous, तो that is group by clause is not valid in the query, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज़र आई डीज कैन बी एडिड और रिमूव्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स्ड रूटर्स है या रोप्स है, दोस्तों ये नज़र नहीं आ रहा हमें। और इसका राइट ऑप्शन जो है डी बी, सिक्योरिटी एडमिन है, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच अलो मशीन्स टू हैंडल वेज इंफॉर्मेशन विद अ डेफनेस दैट मिनिमाइज ह्यूमन, दोस्तों ये भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है, और फ्यूजी लॉच। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द स्कैटर्ड प्लॉट इन
VLDA. So that is to visualize the relationship between variables. Option number B यहाँ पे ठीक है. और उसके बाद next question है for operator test column for absence of data. So that is option number C is null operator. So that is next question है what is incorrect about structural design. So that is option number D, it follows structure chart. Next question है what SQL command can be used to delete columns from the table. So that is option number A, alter table, table name, drop column, column name. Option number A यहाँ पे ठीक है. उसके बाद next question है दोस्तों यहाँ पे हमारा computer science का section भी solve हो चुका है. और नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे केमिस्ट्री के सेक्शन को सॉल्व करने के लिए. और उसके बाद फिर हमारा इंग्लिश का सेक्शन रह जाएगा जिसको हम सॉल्व करेंगे. और मज़ीद कोई भी क्यूरी हो तो हमें फीडबैक कीजिए. और वी आल्सो नीड इम्प्रूवमेंट बिकॉज क्वेश्चंस काफ़ी टफ हैं और दिस क्वेश्चंस आर आल्सो पिक्ड अप फ्रॉम द इंडियन साइड. सो दैट्स व्हाई कोई एक जॉब नहीं है, डिफरेंट क्वेश्चन जैसे हैं जिनके डिफरेंट साइड पर डिफरेंट जॉब आप लिखे हुए हैं. तो वी डोंट नो कि एस पी एस सी किस जॉब को कौन सा कंसिडर करता है. तो यहाँ पे रेटिक्स के भी चांसेस हो सकते हैं. तो वी विल अल्टीमेटली हैव टू 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 थ्री या फोर मिस्टेक्स जो हैं वो नेचुरल होंगी हर हमारे पेपर में. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. दुआ में याद अल्लाह हाफिज़.